नमस्कार फ्रेंड्स, फैमिली जायका बाय कल्याणी डागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली डिश है ये, पर थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है। उसके लिए हमने यहाँ पर 2 कप काले उड़द की दाल अच्छी तरह रब करके वॉश कर ली थी और ओवरनाइट सोक कर ली है। साथ ही हमने यहाँ पर 1 मुट्ठी के करीब राजमा लिए हुए हैं, इनको भी अच्छी से रब करके वॉश करके यहाँ हमने ओवरनाइट सोक कर लिया है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया हुआ है। अब अपनी दाल और राजमा हम इस प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर देंगे। इसमें इस वक्त डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैं बहुत कम नमक डाल रही हूँ क्योंकि इसमें बटर का यूज बहुत ज्यादा होता है और मैं येलो बटर यूज करूंगी, वो भी नमकीन ही होता है। थोड़ा सा इस टाइम पे इसमें पानी ऐड करेंगे। और ढक्कन लगा के हमें इसे स्लो कुकिंग देनी है। एक्चुअली जो पुराने टाइम पे बनाया जाता था वो तो हांडी वगैरह में या भगोने में बनाया जाता था, तो स्लोली स्लोली पकती रहती थी दाल। प्रेशर कुकर में थोड़ा सा फास्ट हो जाता है काम, बट फिर भी हम इसको स्लो कुकिंग पे ही चढ़ाएंगे। धीरे धीरे इसको लगभग 4 से 5 विसल तक पकाना है हमें। तो देखिए कुकर की स्टीम रिलीज हो चुकी है। हमने इसे स्लो आंच पे 7 सीटियां दी थी, तो चेक कर लेते हैं कि ये अच्छी तरह से गल गई है कि नहीं। हमारी दाल अच्छी तरह से पकी हुई लग रही है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से खुल गई है। राजमा भी पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे इस टाइम पर बटर। बटर में आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना करें क्योंकि ये दाल मखनी है तो इसमें मक्खन काफी सारा जाता है। आप चाहे तो इसमें व्हाइट बटर यूज कर सकते हैं। अब जितनी भी कुकिंग हमें करनी है इसमें, वो प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के नहीं करनी, हम ओपनली ही करेंगे। तो यहाँ मैंने गैस ऑन कर दी है और इसको दोबारा से गैस पे चढ़ा दिया है। दाल हमारी काफी गाढ़ी है, इस टाइम पे हम इसमें पानी डालेंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर एक मदानी ली हुई है लकड़ी की, उससे इस तरह से इसे मैश कर देंगे। इस दाल का घुटना अच्छी तरह से बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम साग बनाते हैं उसको घोटते हैं, इसी तरह से हमें इस दाल को घोटना होता है। अब स्लो आंच पे इसको लगभग 20 मिनट तक हम इसी तरह पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से घुट जाए। देखिए दाल को मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर हम इसे स्लो आंच पे पकाते रहेंगे और धीरे धीरे इसे घोटते भी रहेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर एक पैन में देसी घी ले लिया है। देसी घी और बटर में इसमें आप कंजूसी ना करें अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं। अगर कोई हेल्थ इश्यूज है तो आप कम डाल सकते हैं। 1 चम्मच के करीब यहाँ पर बटर डाला है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2.5 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डाल देंगे इसमें। इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, बट जो भी यूज होते हैं उन्हें आप स्किप ना करें। अब इसको हमें अच्छी तरह से भून लेना है। हल्का सा ये कलर चेंज कर ले तब तक हम इसे भूनेंगे। तो देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा हल्का सा भून चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये रंग अच्छा देगी पर तीखा नहीं करेगी। वैसे भी दाल मखनी बहुत ज्यादा तीखी नहीं बनती है अगर मैं 5-स्टार रेस्टोरेंट्स की बात करूं। अगर आपको तीखी पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। बस जैसे ही हमारी मिर्च अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। ये लगभग 4 टमाटर का मैंने यहाँ पर पेस्ट बना के रखा हुआ है। अब इस सारे मसाले को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, इसमें काफी सारा
तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपनी दाल ऐड कर देंगे जो कि ऑलरेडी हमने काफी अच्छी तरह से घोट के रखी हुई है। इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। अब ढक कर हम इसे इसी तरह से पकने देंगे लगभग 10 मिनट के लिए, ताकि ये मसाला और दाल जो है वो अच्छी तरह से घुल मिल जाए। देखिए हमारी दाल को पकते हुए लगभग 5 मिनट और हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई है, ये अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, ताकि वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए उसका फ्लेवर। ये आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ ही मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ली हुई है आधा चम्मच के करीब, वो इस तरह से रब करके मैं डालूंगी। ये आप जरूर डालें बट बिल्कुल कम डालें, बहुत ज्यादा फ्लेवर हमें नहीं चाहिए कसूरी मेथी का। अब इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। इसे 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। नमक हमने इसमें स्टार्टिंग में ही डाला था उबालते वक्त, अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डालेंगे क्योंकि हमने मसाला भी बनाया है। फिर से इसको एक बार अच्छा मिक्स देंगे और ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारी दाल को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, स्लो आंच पे पकाई है हमने ये। इसका टेक्सचर और इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। अगर आपको ये थोड़ी सी पतली चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब फाइनली हम इसमें डालेंगे क्रीम। मैंने इसमें घर की मलाई ऐड करी है 2 चम्मच के करीब, बिल्कुल थिक वाली जो मलाई होती है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, इसमें जो सारा टेस्ट होता है वो दाल का, बटर का, क्रीम का होता है। ज्यादा चीजें हमें इसमें ऐड नहीं करनी होती हैं। अब क्योंकि हमने इसमें क्रीम डाल दी है तो गैस को हम इस वक्त कर देंगे ऑफ, क्योंकि हमें क्रीम को बहुत ज्यादा पकाना नहीं होता है। दाल मखनी हमारी बिल्कुल रेडी है, आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर और इसको गार्निश करेंगे क्रीम से। जैसा कि मैंने कहा मेरे पास मलाई है, उससे गार्निश करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की कोई जरूरत नहीं होती है, उसके बिना ही बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल फैमिली जायका बाय कल्याणी डागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।